हाय एवरीवन, नमस्कार। आप सब कैसे हो? आज हम बनाएंगे वेट लॉस के लिए ओट्स का चीला। और ये मैंने आधा कटोरी ओट्स भिगो कर रख दिए थे। हमें ओट्स 15 मिनट के लिए भिगो कर रखने हैं, फिर इन्हें भूनने या पीसने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम इसमें थोड़ा सा बेसन डाल देंगे। अगर आपको बेसन नहीं खाना तो आप इसमें सूजी भी डाल सकते हो। अब हम इसमें ये सब्जियाँ डाल देंगे। ये मैंने थोड़ा सा खीरा लिया है ग्रेट कर, आप सारी सब्जी ग्रेट कर लेना, से गले भी अच्छे से और खाने में भी अच्छी लगे। ये मैंने शिमला मिर्च ली है, ये हरी मिर्च है, एक प्याज है, एक टमाटर है और ये करी पत्ता है। ये वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा है, हेल्थ के लिए भी और वेट लॉस के लिए भी। हम इसे मिला लेंगे। ग्रेट करने से सब्जियों में ज़्यादा पानी भी आता है, वैसे नहीं आता इतना अगर हम इन्हें चोप कर डालेंगे। ये हमने इसमें पानी नहीं डाला। अब मैं इसमें थोड़ा सा दही डाल देती हूँ। दही से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा और दही वेट लॉस में बहुत काम करती है। अगर आप दूध की मलाई उतार कर तब दही जमाएं, यानी कि लो फैट मिल्क से दही जमाएं। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। ये हमने इसमें नमक डाला, ये थोड़ा सा चाट मसाला, ये धनिया। आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हो और आप इसमें काला नमक या सिंधा नमक ही डालना अगर वेट लॉस के लिए बना रहे हो, नहीं तो नॉर्मली नमक भी आप डाल सकते हो। ये हो गया हमारा बैटर तैयार। हम इसमें थोड़ा सा अदरक का पाउडर डाल देंगे। आप इसमें अदरक ग्रेट कर भी डाल सकते हो, अभी मेरे पास है नहीं तो हम पाउडर डालेंगे, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है अदरक का पाउडर। और सब्जियाँ आप अपनी पसंद से डाल सकते हो, कोई भी। आप इसमें गाजर, बीन्स सब कुछ डाल सकते हो। हम इसमें थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा जीरा डालेंगे। अगर आपको नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हो इसे। ये हमारा बैटर बनकर हो गया रेडी, अब हम बनाते हैं। ये हमने इस पर लोहे का तवा चढ़ा लिया है। आप इसे पैन में बना सकते हो, लेकिन लोहे के तवे पर ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमें आयरन भी मिल जाएगा। और इसे ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए तवा। और आप इसमें कलर के लिए हल्दी भी डाल सकते हो। और हम ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाएंगे और हल्का बस ग्रीस ही करना पड़ेगा, ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको वेट लूज करना है। और आप इसे घी में भी बना सकते हो, घी से भी वेट लॉस होता है अगर उसे सही तरीके से खाया जाए तो। रख लेंगे। और आप इसे लो टू मीडियम गैस पर ही पकाना, वरना ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब हम इसमें हल्का सा ऐसे ही, ऑयल नहीं है इसमें, तो आप देख सकते हो बहुत सावधानी से अच्छे से पलटना। और आप सोचोगे ये छोटे छोटे क्यों बना रही है, क्योंकि ये बड़े पलटे नहीं जाते, क्योंकि ये जल जाते हैं या मतलब टूट जाते हैं अंदर से। ये मैंने बहुत बड़ा बनाया था, एक बनाकर देखा था, फिर देखिए ये सारा टूट कर तितर बितर हो गया, इसलिए हमें इन्हें छोटा ही बनाना है। और मंद मंद गैस पर इन्हें सेकना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। हमने ये पलट दिया,
लो से भी थोड़ा कम ही रखना आप, जैसे मैंने बोला लो टू मीडियम, उससे भी कम ही रखना। और आप इसे रोज खाना या जैसे भी, ये हमने सारे सीख लिए हैं। आप देखिए इसमें जो ये ब्राउन स्पॉट है और ये कितना नरम है, और ये हम खीरे खाएंगे इसके साथ और हम इसे खाएंगे दही के साथ। और आप इसमें वो ही सब्ज़ी डालना जो मैंने डाली है, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अगर आपको इससे ज़्यादा वेट लॉस करना है तेज़ी से, तो आप ये जैतून का नमक डालना अपने किसी भी खाने में। आप इसे लगातार 7 दिन खाकर देखना, आपका वेट कम तो होएगा, इंच भी कम हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। धन्यवाद।